देखिए अभी तक तो वो बनिगाला नहीं गया, वो तो बड़े मुश्किल हालात में है। मेरी तो मुलाकात होती रहती है अदालत में भी, वैसे भी जेल में मिला हूँ, तो वो काफ़ी मुश्किल हालात में रहते हैं, एक छोटे से कमरे में बंद हैं। बल्कि वो कह रहे थे कि मुझे पैदल चलने जो है वॉक करने के लिए भी काफ़ी जगह नहीं मिलती, बल्कि उन्होंने मुझे कहा था वो कमरा जिसमें कि 18-20 फुट का कमरा, कहना बेहतरीन जगह है, मैं इसमें वॉक करता हूँ। तो इसलिए उनको तो हर किस्म की सख्ती में रखा गया है, मुश्किलात में रखा है, और वो बहादुरी से फेस कर रहे हैं। ये सिर्फ एक शोबाजी है, इसका मकसद सिर्फ है कि लोगों तक एक पैगाम पहुँचाना था कि हम इसको उसका रास्ता हर तरह से सियासी रास्ता रोकेंगे, आप इलेक्शन आप जो है पोलिंग स्टेशन पर जाइएगा। हमारे पास पहले ही बहुत सारे वकला हैं, वो उनके आने से ना कुछ फायदा एडिशन हुई है ना कुछ कमी आई है। अपने मकासद के लिए आए हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी पंजाब में दम तोड़ गई है, तो उन्होंने कहा अगर कोई फ्यूचर है, अगर मुझे कोई आइंदा के लिए कोई फ़ायदा हो सकता है तो इस जमात में जाने से हो सकता है। वो तो अपने मकसद के लिए आए हैं, पार्टी के मकसद के लिए तो नहीं। देखिए पीटीआई तो टूटी नहीं, बल्कि वो जो लोग बाहर से भेजे गए थे, एस्टेब्लिशमेंट के भेजे हुए जो लोग थे, जिनको मैं ये कहूँगा लूटे थे, फसली बटेरे थे, वो भाग गए हैं, क्योंकि वो पहले उनसे नहीं ठीक थे, उन्हीं के इशारों पे आए थे, उन्हीं के इशारों पर उन्होंने वजारतें की और मफादात हासिल किए। जब उनको मुश्किल बहुत नज़र आया तो छोड़ गए। तो खान साहब से मेरा भी इख्तलाफ इसी बात पर था कि इस किस्म के लोगों को मत इकट्ठा करें, ये लोग आपको साथ नहीं देंगे, कल को यही छोड़ के चले जाएंगे और फिर उन्हीं के इशारों पे चलेंगे। ये वक्त ने साबित कर दिया कि ये बात जो मैं वो कह रहा था वो बिल्कुल दुरुस्त। ये उससे मैं कुछ से बेहतर तवक्को नहीं रखता, वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट का आदमी रहा है, एस्टेब्लिशमेंट ने ही भेजा था, एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर वो बयान देगा और दे रहा है। देखिए ना 9 मई में तो किसी तरह भी इमरान इन्वॉल्व नहीं होता, उस दिन तो इमरान को उठा लिया गया था, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सारी दुनिया के सामने उसको उठाया गया था, खिड़कियां तोड़ के दरवाजे तोड़कर, वो तो एक अपनी कार्रवाई में मसरूफ था और उस कार्रवाई से वो उठा के धक्के दे के सबके सामने लेके ले जाया गया। तो उसको 9 मई में वो तो बल्कि 11 मई को मैंने उन्हें इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, जिस दिन उनको फिर बेल दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो वहाँ उनका बयान हुआ है मेरे सामने। उन्होंने कहा जी मैं जिस दिन मुझे उठा लिया था 2 दिन पहले, उसके बाद से मुझे कोई खबर नहीं, मुझे ऐसी जगह रखा गया जहाँ मुझे कोई खबर नहीं मिली, मुझे यहाँ आके जब सुप्रीम कोर्ट ने मुझे यहाँ बुलाया है और मैं यहाँ आके वकला में बैठा हूँ, तो मुझे पता चला कि परसों क्या हादसात हुए, मुझे इलम ही कोई नहीं। तो ये उसका बयान था, तो उससे जाहिर होता है कि ये सारा कुछ जो था एक ट्रैप था जिसमें उसको और पीटीआई को फंसाया गया। देखिए ये तो बड़े अरसे से ये खेल जारी है, पिछले 70 साल से, तो नया खेल नहीं है। हर दौर में यानी मशरकी पाकिस्तान उनके तोड़ने में भी इनका हाथ था, क्योंकि मशरकी पाकिस्तान के लोगों को उन्होंने कोशिश की थी अपने तौर पर एक्सपर्ट करने की, कभी उनको इख्तदार नहीं देना था। जब 1970 का इलेक्शन हुआ, खुद कराया इन्होंने, उसके बाद जब मुजीबुर रहमान उसकी पार्टी जीत गई, तकरीबन 100% सीटें ईस्ट पाकिस्तान में ले गई, तो उसको इख्तदार मिलना चाहिए था, नेशनल असम्बली को कॉल करके उसको वज़ीर आज़म मुंतखब होना चाहिए था। इन्होंने बजाय कि असम्बली बुलाई जाती है उसको वज़ीर आज़म मुंतखब करके एक जमहूरी निज़ाम को पटरी में चढ़ाया जाए, उन्होंने मिलिट्री एक्शन ले लिया उनके ऊपर, जिसकी वजह से मुल्क टूट गया, क्योंकि ये इख्तदार छोड़ने को तैयार नहीं है। क्योंकि मुजीबुर रहमान तो याह्या क्या कहता था, उसने कहा तुम्हें वज़ीर आज़म बना देंगे लेकिन मुझे साथ सदर बनाना, और हम जैसे चाहेंगे वैसे तुम काम करना, तो उसने कहा ये नहीं होगा, हम मेरे लोग बड़े वाजे हैं, हम इख्तदार का इंतकाल चाहते हैं, हम शेयरिंग नहीं करेंगे।